जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष दात्री संस्थान लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, संध्या सक्सेना आस्ट्रो इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज एक नए दिन, एक शाम, और ये हमारे आसपास मेरे घर के पास में गार्डन है, और वैसे आप में से बहुत लोगों ने देखा है, घर के ठीक सामने ही है। तो आज मैं इस गार्डन में, इस गार्डन के साथ आपको ये वीडियो दे रही हूँ। पिछले कई दिनों से मैं जो है सम्मोहन पे बात कर रही हूँ, और सम्मोहन पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, क्या सच में सम्मोहन होता है और क्या ये काम करता है। तो यकीन मानिए, सम्मोहन होता है और सम्मोहन काम भी करता है। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो आज से नहीं, प्राचीन काल से, मेरे को लगता है कि हजारों वर्षों से सम्मोहन जुड़ा हुआ है। एक सम्मोहन एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा भगवान शिव या कोई भी देवी या देवता अपने भक्तों से जुड़ा होता है, उसकी लगातार जो वो पूजा पाठ अनुष्ठान करता है, लगातार जो उसकी भक्ति करता है, उसको याद करता है, तो देवता को भी लगता है कि यार ये मुझे इतना प्यार करता है, मुझे को इतना याद करता है, तो चलो उसी खबर ली जाए, और ऐसा होता है। तो सम्मोहन इस तरह से काम करता है। इसी प्रकार से जब आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करने लगते हैं और उसको लगातार महसूस करते हैं अपने आसपास, तो कहीं ना कहीं से एक मैसेज जो है, क्योंकि हम सभी की जो आत्माएं हैं वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक जगह पे स्थिर होती हैं। आपको नहीं पता लेकिन ऐसा होता है कि हम लोगों की जितनी भी आत्माएं हैं, हम सब की एक बॉन्डिंग है, क्योंकि हम सब एक परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो आदिशक्ति है, जिसको शायद किसी ने देखा है, शायद किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उस शक्ति को जितने लोग भी जानते हैं, महसूस करते हैं, उसके अनुसार वो शक्ति कहीं तो है। और जब हम उस शक्ति को लगातार मैसेजेस भेजते हैं कि हमारा एक काम है जो अटक गया है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो वो शक्ति उस काम को धीरे धीरे करती है और वो हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ टेक्निक ये है, और यहाँ पे ये है कि यदि आप लगातार यूनिवर्स में किसी बात को भेजते हैं, लगातार आप यूनिवर्स से कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ऐसा काम है, वैसा काम है, जो भी कुछ आप चाहते हैं, तो मालिक कभी ना कभी आपकी बात को सुन लेता है। आज जो मैं है अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, और पिछले कई दिनों से मैं अट्रैक्शन के बारे में ही बात कर रही हूँ। अट्रैक्शन से मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं या आप किसी का सम्मोहन चाहते हैं, आकर्षण चाहते हैं, बल्कि अट्रैक्शन क्या है कि हम में से हर व्यक्ति आकर्षण चाहता है। मैंने ये पहले ही बताया कि बॉस अपने ऑफिस में आकर्षण चाहता है कि सब लोग मेरे बारे में सुने, सब देखें। एक लड़की है, वो अपने बॉयफ्रेंड का अट्रैक्शन चाहती है। शादीशुदा औरत अपने पति का और ससुराल वालों का अट्रैक्शन चाहती है। सास जो है वो अपने बेटे, बहू और घर में रहने वाले लोगों का अट्रैक्शन चाहती है। यानी कहीं ना कहीं हम सभी एक सम्मोहन, एक आकर्षण, एक वशीकरण से संबंधित है, जुड़े रहते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपका पति, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बेटा, आपकी बहू, आपके कोई भी रिश्तेदार आपसे बेरुखी से बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो तब ऐसा लगता है कि शायद हमारा अट्रैक्शन कम हो गया है, शायद हमें अट्रैक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसे समय में जब उनको लगता है कि अट्रैक्शन नहीं बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो इधर उधर बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान, तंत्र मंत्र और बहुत सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये सच मानिए कि हम सभी की जो ज़िंदगी है उसमें हम सभी को ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में अट्रैक्शन हो, और हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई हो जो हमारी बात को सुनता हो, हमारी बात को समझता हो। तो इसी अट्रैक्शन में मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक अट्रैक्शन का, एक आकर्षण का, ये वशीकरण का एक प्रयोग बता रही हूँ। ये प्रयोग प्राचीन प्रयोग है, और इसमें आपको क्या करना है, गुड़हल के कुछ फूल ले लेने हैं, गुड़हल के कुछ आपको फूल ले लेने हैं, और ये गुड़हल के फूल आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, आपके आसपास कहीं लगते होंगे। आप गुड़हल के छोटे बड़े किसी भी टाइप का कोई भी फूल ले लीजिएगा, बेसिकली गुड़हल के फूल पे ही इस काम को हमें करना है। और गुड़हल के फूल पे आपको क्या करना है, आपको गुड़हल के फूलों को जो 11 या 108 51 27 जितनी भी मात्रा में ले सकते हैं आपको लेना है, और उसके बाद उन सारे गुड़हल के फूलों पे एक एक गुड़हल के जो फूल है उनकी जो पत्तियां होती हैं उस पे आपको मतलब भगवती पार्वती और शिव का एक मंत्र है, ये लड़कियों को बता रही हूँ, पहले लड़कियों की बारी, एक मंत्र फिर लड़कों को बताऊंगी।
एक लड़का, एक मंत्र है मतलब ओम त्र्यंबके जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् बन्धनात् पतिवेदनम, ऐसा करके एक मंत्र है, ये आपको नेट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके ये जो मंत्र है आपको प्रॉपर नेट पे मिलेगा, हो सकता है मुझसे पढ़ने में थोड़ी गलती हुई हो, इसलिए आपको ये नेट पे मिल जाएगा आराम से। ओम त्र्यंबके जामहे पति के बारे में एक होता है, इसमें आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं और ये आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं। और जो लड़के हैं वो भगवती की जो है महामाया की कोई भी मंत्र जैसे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चौंडाच्छे का जाप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है, आप मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ सकते, आपको लगता है जी मंत्र करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो आपको बस गुड़हल के कुछ फूल लेने हैं और भगवती यानी कि देवी माँ के सामने उसके मंदिर में जाके या आपका घर है वहाँ जाके, क्योंकि ये पूजा गुप्त रूप से करनी है, उसको दिखा के नहीं करनी है। लाल रंग का एक कपड़ा लीजिए, उस पर आपको जितने भी आपने फूल लिए हैं उसको रखने हैं, गुलाब वो गुड़हल के फूलों को, आपको जो मंत्र करना है वो कर ले। इन केस आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप कहते हैं जी हमें तो मंत्र नहीं आता है, तो ऐसे में आपको जिस व्यक्ति को भी अपने पास बुलाना है आप उसके लगातार नाम का उच्चारण करेंगे। अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपको लगातार उसके नाम को यूनिवर्स में भेजना है कि वो मेरे को बहुत प्यार करता है और वो मुझे बहुत चाहता है, आप इस तरह से करेंगे। अब अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, पति के कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, बॉस के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से लैंग्वेज को चुनाव करना होगा, वो आप देखेंगे कि आपको किस तरह से लैंग्वेज का चुनाव करना है। जब ये आपका सब कुछ हो जाएगा तो ये जितने भी आपने फूल हैं वो देवी के ऊपर चढ़ाए हैं, वो अगर आप घर में कर रहे हैं तो फिर आपको देवी के पास ही 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। और हाँ, इसमें एक अखंडित दीपक लगेगा जिसको आप लगभग 24 घंटे तक जला के रखिए, थोड़ा थोड़ा तेल बढ़ाइएगा। अगर आपको लगता है ये सब थोड़ा मुश्किल है, अखंडित जोत नहीं जल सकती है, तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा एक दिया लगा दीजिएगा या कुछ कपूर जला दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपका, जब मंत्र हो जाएगा आपको मंत्र करना है तो आपको 324 बार कर लीजिए, 540 बार कर लीजिए, 1100 बार कर लीजिए, या आपको सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में बोलना है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा मेरे साथ है, मेरे पास खुश है, तो आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे, ठीक है। और इस चीज़ से मुझे याद आया कि अभी एक लड़की की लव मैरिज हुई है, हुई तो उसकी लव मैरिज में 5 महीने लग गए, लेकिन मैंने उसको एक प्रयोग दिया था, उसको मैंने काली माँ का एक मंत्र दिया था जो नॉर्मल मैंने अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है, उसे कॉल अपॉइंटमेंट लिया था तो मैंने उसको माता कालिका का वो मंत्र दिया था और उसने उस मंत्र को करते हुए साथ में मैंने उसको जलाने के लिए कुछ लौंग भेज दी, उसको वो जला के पूजा करती थी। लड़का उससे बहुत दूर रहता था, अभी वो लड़का आ गया, उससे उसकी शादी हो गई और इस बात को भी कहे हुए 4-5 महीने हो गए। तो चीज़ें काम करती हैं अगर आपको उसमें निष्ठा हो, विश्वास हो। तो ये जो आपने जितने भी गुड़हल के फूल लिए हैं इनको जब आपने जाप जूप कर लिया और आपने वहाँ पे एक थोड़ा सा कपूर जला लिया या घर में खट्टे जोत लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग लगा भी सकते हैं मुझे पता है। जब आपका इतना सारा काम हो जाएगा तो वो सारे के सारे 24 घंटे बाद फूल उठा लेने हैं। उठाने के बाद में आपको उनको थोड़ा सा मसलना है। मसलने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये उस मंत्र को पढ़ते हुए उस व्यक्ति को खिला दीजिए, खिला सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, गुड़हल के फूल खाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको कहा भी जाता है गुड़हल के फूल खाने के लिए, तो ठीक है इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तो खिलाओगे नहीं, थोड़ा सा ही खिलाओगे। और अगर आप उसको खिलाना नहीं चाहते हैं तो आप उसके सामने इसी गुड़हल के फूल को थोड़ा सा पीस के इसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर मिला के आप इस पे माथे पे लेप लगाना शुरू कीजिए, यहाँ पे माथे पे लेप कीजिए, उस व्यक्ति के सामने जाइए, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और तीसरे प्रयोग में क्या कर सकते हैं, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो उस व्यक्ति के सामने जाना मुश्किल है क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, उसे खिलाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो आपके पास नहीं है। जैसे आपका बेटा है, एक मैडम थी उनका, उन्होंने कहा था उनका बेटा दूर चला गया है, घर नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गए। ऐसे में क्या करना है, 3 उंगली लेनी है अपनी, इन 3 उंगलियों में थोड़ा थोड़ा उसके पेस्ट को लेके उसमें अपने चंदन पाउडर मिला रखा है, उससे उस व्यक्ति के माथे पे इस तरह से त्रिपुंड की तरह लगाएंगे और लगाने के बाद उस पर भगवती माँ की स्थापना कर देंगे।
यदि आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं या बेटी के लिए कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भगवती पार्वती, जिस तरह से आपको गणेश जी बहुत प्यारे हैं, आप गणेश जी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से मैं आपकी संतान के बिना नहीं रह सकती, अतः मेरी संतान मुझे वापस प्राप्त हो। यदि आप प्रेमी या पति के लिए कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, जिस तरह से आपको शिव बहुत प्यारे हैं, उस तरह से मुझे ये प्यारा है, ये मुझसे दूर रहो ना हो। अगर आप लड़के हैं तो आप बोल सकते हैं, जैसा शिव आप पार्वती के पीछे बिना नहीं रह सकते, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ये मुझे प्राप्त हो। यदि आप संतान, प्यार, पत्नी अलावा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा किसी अन्य काम के लिए कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से आप सभी के काम बनाते हैं और सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं एक बॉन्डिंग के रूप में, उसी तरह से मेरा भी बॉन्ड उस व्यक्ति के साथ हो जिसके लिए आप चाह रहे हैं और वो मेरा हर काम को करे और मेरा काम जल्दी हो। तो आपको इस तरह से एक मैसेज भेजना है उसको, और ये जो है उसकी फ़ोटो पे आपको इस तरह से त्रिपुर लगा के 5-10 मिनट उसी मंत्र का जाप करना है, या ये मुझे बहुत प्यार करता है, इस तरह से आपको जो भी बोलना है वो आपको करना है। रात को तकिए के नीचे फ़ोटो रख के सोनी है, और मुझे उम्मीद है कि अगले दिन आप में से बहुत से लोगों को या तो उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा या कॉल से मैसेज आ जाएगा या फिर वो व्यक्ति खुद ही बात करने के लिए आएगा। एक बारी में आपका ये प्रयोग अगर आपको लगता है कि कुछ परसेंट तक सफल हुआ है, पूरा सफल नहीं हुआ है, तो आप इसको रिपीट मारेंगे। लेकिन उस फोटो को क्या करेंगे, उस फोटो को ना तो जलाना है, ना फाड़ना है, ना कुछ करना है। उस फोटो को आप अपने घर के किसी भारी चीज़ के नीचे दबा देंगे जिस फोटो को आपने यूज़ किया है, और थप 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 उसको हल्के हाथ से मारना नहीं है, जैसे बच्चे को सहराते ऐसे टप 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 उसको सराहा जाएगा, और उसको सरा सरा के आपको उसको बोलना है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे पास लौट आओ। कोई इंसान अगर साथ संबंध दूर चला गया हो तो हम उसके ऊपर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा। वशीकरण का प्रयोग है, एक तरह से आप कह सकते हैं, या किसी को आकर्षण सम्मोहन में बांधने का प्रयोग है, आप इसे कीजिए। तकिए के नीचे रख के सोएंगे, आपके पास एक दो दिन में कॉल मैसेज जो भी आएगा आएगा, और फिर आप इसको 5-6-7 दिन तकिए के नीचे या बेड गद्दे के नीचे रखने के सोने के बाद, और फिर आपको अगर लगता है कि मुझे दोबारा इसको करना पड़ सकता है तो फिर आप पहली फ़ोटो को किसी बाहरी चीज़ के नीचे दबा देंगे, फिर आप दूसरी फ़ोटो को ले लेंगे। आगे का प्रयोग मैं इसमें क्या करना वो बता दूंगी, लेकिन देखिए मेरे पास एक कुंडली भी आई है जिसमें रितेश वर्मा है, वो जानना चाहते हैं कि कर्जा बहुत हो गया है, लगभग 1.5 करोड़ का कुछ उनके पर हो गया कर्जा, मकान बनवाया होगा या कुछ करा होगा, फैक्ट्री ली थी सॉरी, तो उसको चुका नहीं पा रहे और कोरोना में फैक्ट्री डूब गई है। ठीक है, आपने कुंडली मुझे भेजी थी, मैंने कुंडली में देखा था कुछ ग्रह आपके खराब पड़े हुए हैं, कुछ उपाय बताइए इसको कीजिएगा, इससे आपको फर्क पड़ेगा। और गणेश जी के मंदिर जाना शुरू कीजिए, उनसे मदद मांगिए, संकटनाशक गणेश स्तोत्र पढ़िए, ये आपके संकट को दूर करेगा। एक और मैसेज मेरे पास आया है, और वो आया है मोहित वर्मा का, ये जानना चाहते हैं कि आप कभी प्रेम विवाह कर पाएंगे। तो कुंडली के हिसाब से तो प्रेम विवाह की बिल्कुल भी मुझे नहीं लगती है कि आपका प्रेम विवाह हो पाएगा, फिर भी मैंने आपको कुछ उपाय दिए हैं, आप उसे करना चाहे तो कर लीजिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वास होता है तो काम हो जाते हैं। इतना अंधेरा इसलिए है क्योंकि हमारे आज लाइट नहीं है, मैं पार्क में हूँ और ये जो पार्क में पीछे लाइट है बस यही लाइट है प्राप्त, बाकी आप देखिए घरों में लाइट कहीं कहीं जल रही है, जो लाइट है ही नहीं, ये हमारा पार्क और ये मैं और ये यहाँ से फिर हमारा पार्क, ठीक घर मेरा उधर है, ठीक। तो एक मैसेज आया है जिसमें जितेंद्र वर्मा चाहते हैं उनकी लव मैरिज हो जाए, और उन्होंने कहा है यूनिवर्स में इसको बोल दो। तो भगवान श्री गणपति से प्रार्थना है कि जितेंद्र वर्मा की लव मैरिज करा दे, उसकी बहुत इच्छा है, और इस और गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए मैरिज कराने के लिए। एक चीज़ और याद रखना, मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर डालती हूँ आई एम द यूनिवर्स, आई एम द टॉप, इस तरह की चीज़ों पे डालती हूँ, बहुत बार डालती हूँ। जब भी मैं इस तरह की चीज़ें डालती हूँ ना, तो उस पर आपको कमेंट अगर आप करना चाहते हो तो आपको यही कमेंट करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉप वगैरह जो भी आप लिखते हो ना, अपने उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। मतलब जैसे कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आई एम द टॉप ऑफ द ऑफिस, आई एम बेस्ट इन द ऑफिस, जब मैं इस तरह से बोलती हूँ आई एम द यूनिवर्स, आई एम द वर्ल्ड, तो उसका ये मतलब होता है, इस साइकिक में हमारी टर्म्स होती हैं,
कि उसमें एक ही वर्ड में बोल देते हैं कि आई एम द वर्ड, कि मतलब मैं संसार में बेस्ट हूँ इस तरीके से। और हाँ, एक लड़की है अमृता गौरंग, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, उसका कोई काम हुआ है, गवर्नमेंट जॉब भी लगी है और उसका एक प्रेमिका का काम हुआ है, तो उसने मेरे फोटो वोटो लगाकर 108 कुछ उसने बांटे हैं और उसने मुझे भी भेजी है, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। और उसमें भगवान रामचंद्र की प्रेयर है, मैं आपको दिखाऊंगी कि उसने किस तरह से बना के भेजा है, उसके लिए थैंक यू। तो मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए, दिन हमारा ज़िंदगी में अच्छे बुरे साथ चलते रहते हैं। और मालिक को रोज़ धन्यवाद करो कि उसने जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए जो है मैं इतना ही बताऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर आप सब पे कृपा बनाए रखे। और हाँ, वो फ़ोटो जो है इस प्रो को आप 3 बार कर लीजिए, काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा। और मैक्सिमम अब टाइम कब कब कर सकते हैं, आप इसको मंडे को कर सकते हैं, मंडे को स्टार्ट कीजिएगा और एक हफ्ते के लिए आप उसको टके के नीचे रखिए, उस दिन में फायर पक्का फायर फोन आएगा या वो व्यक्ति आपको खुद से मैसेज कॉल करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे 8126476399 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मैं आपको प्ले स्टोर पर एस्ट्रो संदेशना के नाम से मेरी एप्लीकेशन है, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आयुष का धन्यवाद, क्योंकि ये उसने मुझे गिफ्ट किया। और मेरी वेबसाइट है एस्ट्रो संध्या सक्सेना, ये मुझे संदीप ने गिफ्ट की है, तो दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक आप सब पे कृपा बनाए रखे। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।